अब ये जो परेशानी है जनता को, रास्ते में आने जाने वालों को भी परेशानी है। अंधार मोड़ है, एक्सीडेंट होने का हमेशा चांस है, लेकिन किससे कहा जाए? अब ठेकेदार हैं, अपना जिम्मेदारी नहीं समझ पा रहे हैं। तो हमारा निवेदन है कि जनता के दुर्घटनाओं को देखते हुए उसको मैंने अपना सही जगह पर गिराएं और काम करें। यहाँ पर गिरने से खतरा है, खतरा है, और आगे ठोकर भी नहीं है। वो पक्का पर गोलाई पर से आता था। अच्छा, अब जो है रोड पर गिरा लग रहे हैं, यहाँ खतरा है एक्सीडेंट का, इसलिए जो इसको हटा दिया जाए, वहीं गुलाई पर गिरा में अपना बना में लो। एक्सीडेंट हो सकता है, अंधा मोड़ है। अच्छा, इसको तो वहीं गिराना चाहिए, गोलाई हवाई अड्डे पर। अच्छा, लेकिन यहाँ पर सब गिरा रहे हैं। हाँ, तो एक नुकसान ही है। मैं इस वक्त राष्ट्रीय मार्ग गाजीपुर भरौली 31 मोड़ के गौसपुर एक ऐतिहासिक धरती पे मौजूद हूँ, और गौसपुर के पास एक अंधा मोड़ भी है जहाँ से लोगों को दूर से आने वाली गाड़ियों की नज़र नहीं आती है, और अक्सर जहाँ से टर्न लिया जा रहा है यहाँ अक्सर एक्सीडेंट भी होते रहते हैं। और इस एक्सीडेंट में बताना चाहता हूँ कि शहीदी धरती शेरपुर के पूर्व प्रधान अनिल काका का 10 कदम पीछे हमारा एक्सीडेंट हुआ था उनका, और उनकी मौत हो गई थी। और इस वक्त गंगा में कटान को रोकने के लिए जो व्यवस्था सरकार ने बनाई है, योजना तो अच्छी है, लेकिन एक काम ठेकेदार द्वारा जो गलत किया जा रहा है, जिसकी तरफ निशानदेही करना हमारा कर्तव्य बनता है। जब जनता की आवाज़ उठती है, जनता यही जानती है और यहाँ के रहने वाले भी जानते हैं कि इसका निर्माण जब भी होता रहा है, उस निर्माण के लिए इस तरह के जो बुलडोजर पत्थर हैं, यहाँ पे बगल में मौजूद हवाई पट्टी भी है, वहीं पे इस पट्टी पे अब तक गिरा कर करके गंगा में कटान को रोकने का निर्माण कराया जाता था। लेकिन इस मर्तबे अजीब व गरीब बात है, बातें तो बहुत की जाती हैं सरकार द्वारा, लेकिन अमल कुछ नहीं होता है। वो किस तरह से क्या नुकसान पहुंचाएंगे? मैं खुद यहाँ मौजूद हैं भाई साहब, मैं इनसे परिचय जानते जानना चाहता हूँ कि आपका क्या नाम पड़ेगा भाई साहब? प्रकाश चंद यादव। अच्छा, कहाँ रहने वाले हैं? गौसपुर के रहने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पे जो परेशानी है जनता को, रास्ते में आने जाने वालों को भी परेशानी है जी। ये पत्थर किनारे से अंधेरा अंधार मोड़ है, एक्सीडेंट होने का हमेशा चांस है, लेकिन किससे कहा जाए? अब ठेकेदार हैं, अपना जिम्मेदारी नहीं समझ पा रहे हैं। तो हमारा निवेदन है कि जनता के दुर्घटनाओं को देखते हुए उसको मैंने अपना सही जगह पर गिराएं और काम करें। ये परेशानी है। आप क्या करते हैं? हम अधिवक्ता हैं, सिविल बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव हैं। कहाँ पे? गाजीपुर, अहमदाबाद, सिविल कोर्ट में। अच्छा, सिविल कोर्ट के आप पूर्व सचिव हैं? सब सचिव हैं। क्या नाम बताया आपने? प्रकाश चंद यादव। अभी हमने बात किया प्रकाश चंद यादव, अहमदाबाद सिविल बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव रह चुके हैं आप, और यकीनन आपके पास अक्सर लोग जाते रहे हैं, और मैं एक बुजुर्ग आदमी यहाँ और खड़े हैं, हमें देखकर आ गए हैं। अच्छा, जरा बताइए आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? सुदर्शन यादव। सुदर्शन यादव जी, जी। अच्छा, इससे पहले जो काम होता था वो कहाँ पड़ते थे? वो पक्का पर गोलाई पर से आता था। अच्छा, अब जो है रोड पर गिरा लग रहे हैं, यहाँ खतरा है एक्सीडेंट का, इसलिए जो इसको हटा दिया जाए, वहीं गोलाई पर गिरा में अपना बना में लोग यहाँ मत रखे लोग। पहले कहा था हवाई अड्डे पे? हाँ, पहले हवाई अड्डे पर गिरता था। अब दो चार दिन से यहाँ गिरा रहे हैं लोग रोड पर, यहाँ दिक्कत हो रहा है। यही बात है। इससे घटना खतरा का खतरा घंटी है। आप इसको लहजा मना कर दीजिए, अपना गोलाई पे गिरा बना रहे लोग। यही बात है। ठीक, अभी मैं खुद यहाँ और व्यक्ति और भी हैं, मैं इसे जानना चाहता हूँ। क्या नाम पड़ेगा भाई साहब आपका? जी राजकुमार यादव।
कहाँ घर पड़ता है? गौसपुर। गौसपुर, ये अंधा मोड़ है ना? जी। अच्छा, इससे पहले कहाँ पे, इससे पहले जो है ये जो गिरता था कहाँ गिरता था? हवाई अड्डे पर। हवाई अड्डे पे गिरता जी। अच्छा, यहाँ गिरने से क्या हो सकता है? गिरने से एक्सीडेंट हो सकता है, अंधा मोड़ है। अच्छा, इसको तो वहीं गिराना चाहिए गोलाई हवाई अड्डे पर। अच्छा, लेकिन यहाँ पर सब गिरा रहे हैं। हाँ, तो एक नुकसान ही है। नुकसान ही है जी। अच्छा, ये देखा आपने, सब लोगों का कहना यही है कि जो जो चीज़ें यहाँ पे थी वो पहले जो था आपका बगल में यहाँ से एक डेढ़ किलोमीटर दूरी पे हवाई अड्डा की खाली ज़मीन पड़ी हुई है, वहाँ पे गिरता आ रहा था और वहीं से काम करते थे। लेकिन इस मर्तबे जो काम हो रहा है ठेकेदार द्वारा बचाने के चक्कर में जनता को, और यहाँ पे कभी भी बहुत बड़ी घटना घट सकती है। अभी एक साहब और आ रहे हैं, मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि ये जो रखा जा रहा बुलडोजर, इसके बारे में आप क्या बता सकते हैं? इससे पहले बुलडोजर कहाँ गिरा था? बुलडोजर हवाई अड्डा पर गिर रहा था। हाँ, अच्छा, यहाँ पर गिरने से खतरा है। और आगे ठोकर भी नहीं है। हाँ, स्कूल के सामने ठोकर भी नहीं है, प्राइमरी स्कूल का। हाँ, कितने लड़के दब के बच रहे हैं जी, बहुत खतरा हो रहा है। अच्छा, हाँ, तो यहाँ पर ये पत्थर गिराने से बहुत यहाँ पर ठीक नहीं है। ठीक नहीं है ना जी। अच्छा, कभी कुछ हो सकता है जी? कभी खतरा हो सकता है जी, आने जाने में बहुत खतरा है। अंधा मोड़ यहीं पे? अंधा मोड़ है। अच्छा जी, धन्यवाद आपका। देखिए, समस्याएं हो जाती हैं, लेकिन जब सही इसकी बारे में जानकारी मिल जाती है तो इसे ख़त्म करने का प्रयास भी किया जाता है। मैं इस वक्त जो इस काम को करा रहे हैं, उनके एक व्यक्ति आए हैं और उनका कहना है कि अब उनसे खुद परिचय जानते हुए जानना चाहता हूं कि आप अपना रूप रखिए क्या रखना चाहते हैं। आइए, आप अपना सुना बताइए। हमारा मोनू मिश्रा नाम है। अच्छा, बनारस के रहने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पे काम करवाते हैं जी। इमरजेंसी में गाड़ी ख़राब हो गई थी, इसलिए गिरवा दिया गया है। इसके लिए हटाया जा रहा है यहाँ से पत्थर, अब यहाँ पे नहीं गिरेगा रोड पर। अब इसके पत्थर कहाँ गिराएंगे आप? गोलाई पर गिरता है, हवाई अड्डे पे गिरता है। जी, वहीं गिराएंगे आप जी। देखिए, धन्यवाद आपका, जनता भी धन्यवाद दे रही है आपकी। ये समस्या यहाँ खड़ी हो गई थी और यहाँ के ठेकेदार के व्यक्ति आए हुए हैं और इनका आश्वासन है कि अब यहाँ पे गिर जाने के बाद तत्काल हटाया जा रहा है। जी 22 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली हैं, हमारे इस गांव के मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता, और यहाँ के हर दुख के अवसर पे हमेशा खड़ा होने वाला शख्स झन्ने खान, पूर्व प्रधान यहाँ हैं, कलीम खान उर्फ झन्ने खान। ये हर मौके पे, हर जगह और कोई भी समाज के हित में बात करने के लिए अगर इस गांव से कोई सतत रहता है तो आप रहते हैं। मैं भी यहां नहीं उपस्थित हो पाता अगर आप द्वारा सूचना नहीं दी गई थी होती मुझे कि यहां पे इस तरह समस्याएं हैं, और मेरे आने के बाद ही यहां की बहुत बड़ी समस्या जो थी प्रधान जी, जो हमारे यहाँ ठेकेदार द्वारा समाप्त किया गया, मैं इनका भी धन्यवाद देता हूं। और मैं आपसे झन्ने खान से जानना चाहता हूं कि आपको कैसे महसूस हुआ और क्या फील किया आपने? मैं कलीम उर्फ झन्ने खान, इस गांव का मैं पूर्व प्रधान हूं। मैं कई दिनों से देख रहा था इनका बुलडोज़र जो पत्थर आ रहा था, पहले हवाई अड्डे पर गिरते थे, वहां से ट्रैक्टर द्वारा आता था। जनता को कोई परेशानी नहीं है, ये हमारे गाँव के विकास के काम में अच्छा कार्य कर रहे हैं, पूरा गांव इनको सहयोग करता है। लेकिन इधर दो चार दिनों से मैं देख रहा था कि सड़क के किनारे पत्थर गिर रहा है। एक तो वहां अंधा मोड़ है, कई एक्सीडेंट हो चुके हैं, कोहेसे का समय है। मैं इनके एक ड्राइवर वहां जो काम कर रहे थे उनसे भी मैं दिन पहले कहा था कि भैया यहाँ मत गिराइए, कोई खतरा हो जाएगा। लेकिन आज मजबूर होकर आपको बुलाना पड़ा, लेकिन आपको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपका जैसे माइक यहाँ चला। यहाँ मिश्रा जी हैं, बड़े मेहनती लड़के हैं,
हम लोग से कम उम्र के हैं, लेकिन बड़ा सबसे तालमेल गांव के लोगों को भी रखते हैं। वो तत्काल आए और कहे कि अब कल के बाद यहां उड़ जाएगा, नहीं उठे गिरेगा, इसके लिए उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं और आपको भी देता हूं। लेकिन इतना लंबा ये काम घिस गया कि कई बार बाढ़, दो बार बाढ़ आ गई, उसमें काम डिस्टर्ब हो जा रहा है और रास्ते बिगड़ जाते हैं, फिर लोगों को रास्ता बनाना पड़ता है। लेकिन इधर लगभग 6 महीना इनको बहुत अच्छा समय है जी। हाँ, और जो मार्च का टारगेट है, अगर अपने लेबर मजदूर और बढ़ा लें तो मुझे विश्वास है कि ये मार्च तक का पूरा हो सकता है। लेकिन जितना लंबा प्रोजेक्ट है, हमें नहीं लगता कि ये मार्च तक पूरा कर पाएंगे, क्योंकि बड़ी स्लो गति चल रहे हैं। और इसमें मार्च को अगर 31 मार्च को क्लोज ये करें या पूरा करना होगा, इनको कहीं ना कहीं इसमें मेहनत करना होगा, लेबरों की संख्या बढ़ानी होगी, तब ये कार्य पूरा होगा। अभी ये 500 का काम करना है, फिर इनके बाद 300 और सरकार ने किया। मैं सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि मेरे ऐतिहासिक गांव को बचाने के लिए इन्होंने बहुत अच्छी पहल की है। मैं इस कार्य का बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री योगी नाथ का जी का, कि जिन्होंने हमारे गांव के ऐतिहासिक गांव राजा मानधाता की नगरी, बाबा भगंदर दास की नगरी है, इसको बचाने का प्रयास किए हैं। मैं फिर इस चैनल के को धन्यवाद देता हूँ कि आप आए, हमारी एक समस्या ख़त्म हुई। और मैं इस चैनल के माध्यम से भी ठेकेदार साहब से भी निवेदन करूँगा कि इसको जितना हो, जो टारगेट है मार्च, इसको पूरा करके गांव को सौंपने का काम करें। धन्यवाद। आपने देखा, अभी हमारे इस गांव के मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता कलीम खान उप झन्ने खान से बातें हम लोगों ने किया और जाना। और यकीनन मैं इस कार्य को कराने वाले स्थल को पूरा देख रहा हूं, और जो आपका टारगेट है कि मार्च तक पूरा करने के लिए, यकीनन ये मार्च तक पूरा करने के लिए आपको अधिक लेबर, अभी जो काम करने वाले लोग हैं, ज़रूरत पड़ेगी कि 500 मीटर का है, वरना फिर बीच में फिर पानी कहीं से आ जाएगा और फिर बाढ़ आ जाएगी, फिर अधूरा कार्य हो जाएगा। इसलिए मैं फिना पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस प्रोजेक्ट का ख्याल रखा है और इस ऐतिहासिक गांव को बचाने का प्रयास किया है। उसी जब ठेकेदार साहब को मैं गुजारिश करता हूँ कि आप अपने संसाधन को और आगे बढ़ाएं ताकि ये गांव बच सके, मुख्यमंत्री जी का जो सपना है वो पूरा हो सके। 72 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली।